रिया मैया चल आवा ए मैया मैया चल 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 दाऊद नगर चल अमृत यहाँ खा के तू सर्दी हो जात बा। अविनाश अविनाश तुम है पढ़ने नहीं गया है नित्या तुम क्या कर रही हो नित्या क्या कर रही हो अमरुद चुन रहे हो अमरुद अमरुद अभी खाया कि नहीं नहीं हैं ना ज्यादा अमरुद नहीं खाने का सर्दी हो जाएगा ठीक है अभिनव चलो काचा ना टूट रहा ओ अमरुद तोड़ने आता है मुंगेर में तो अमरुद पेड़ है कि ना भैया है तब अमरुद कैसे तोड़ लेता चार अमरुद डेढ़ किलो के चार अमरुद डेढ़ किलो के यानी कि एक अमरुद के वजन कितना लगभग है 300 ग्राम 300 ग्राम 3×15 300 ग्राम और मिठास भी उतना ही है जैसा कि सुंदरता दिखा जा रहा है YouTube पर डालो YouTube पर तो डलाएगा भैया बिल्कुल डलाएगा और YouTube के लिए ही वीडियो बन भी रहा है अपना यहाँ अच्छा आपने के यहाँ यहाँ में क्या आपको अंतर दिख रहा है यहाँ हरियाली ज्यादा है आपके यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं हम भी अपना बगीचा बनाए हैं अच्छा बगीचा बनाए है वहाँ पर भी और इलाहाबादी अमरूद लगाए हैं जिसका की साइज भी 250 से 300 ग्राम का होता है टाइम टू टाइम उसको हम जो है पटवन भी करते हैं और बर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं अमरूद में जिससे कि अमरूद का क्वालिटी बहुत ही सुंदर होता है वजन भी उसमें ज़्यादा गिरता है मिठास भी आता है ना बर्मी कंपोस्ट ले हम लोग जैसे गोबर का सड़ा हुआ अच्छा इसका कहीं प्रशिक्षण पहले लिए थे क्या तो इसका हम ट्रेनिंग लिए थे सबौर कॉलेज में सबौर भागलपुर भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम ट्रेनिंग लिए थे और ट्रेनिंग लेकर के हम लोग खेती कर रहे हैं अमरूद का अच्छा अच्छा तो मतलब आप एग्रीकल्चर में काफी माहिर हैं जिस हिसाब से बताया गया उस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं खेतों में तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अच्छा जानकारी दे करके हमको इस मुकाम तक पहुंचाया है अच्छा ये बताइए कि जितने जो आम के जो पौधे इसमें जो दिखाई दे रहा है हम अगर इसमें चाहें कि अगर इसका मतलब वैरायटी चेंज करने के लिए जो आप बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि अब हम इसमें कलम बांध देते हैं तो वो कलम के बारे में हमें थोड़ा बताएं जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो इसके माध्यम से उसको भी उनको भी जानकारी मिलेगा आप बताएं कि कैसे उसका मतलब प्रक्रिया क्या है बांधने के लिए सबसे पहले तो जो हमें नज़दीक आकर बताइए आप हमें नज़दीक जानेंगे कि वो जो होता है आम का गुठली जो होता है आम के सीजन में तो सबसे पहले गुठली को हम तैयार करते हैं लगा करके तो गुठली का जब पौधा हो जाता है लगभग मतलब कहिए कि 6 फीट समथिंग या 5 फीट तो उस टाइम मतलब 1 साल का पौधा हो जाना चाहिए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कलम बांधते हैं तो कलम जनरली हम लोग बरसात के दिनों में बांधते हैं ताकि वो पौधा जो है ज़्यादा सक्सेस हो पौधा मरे नहीं तो उसके लिए सबसे पहले जो है कि इस तरह का डाली लेते हैं हम लोग जैसे आप मान लीजिए ये डाली है आपका अच्छा अच्छा है ना तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पत्ता जो होता है यहाँ से हम लोग उसको कटिंग कर देते हैं है ना तो कटिंग करने के बाद 1 सप्ताह के बाद जो है जैसा देखते हैं जैसा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से मैंने इसको इससे यहाँ लीजिए जैसे मैंने इसको यहाँ से
ये मैंने कटिंग कर लिया ठीक है यहाँ से ठीक है। और देखें एक सप्ताह तक इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको एक सप्ताह के बाद ये ऑटो जो है खत झड़ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक सप्ताह के बाद इसको हम काट लेते हैं एक भित्ता मतलब पीछे से मतलब काट लेते हैं, काट लेते हैं यहाँ से मान लीजिए काट लिया। यहाँ से काटने के बाद फिर जो बीजू पौधा मेरा रेडी है, जैसे कहीं बीजू पौधा है तो आप मुझे दिखा, जैसे कोई भी बीजू पौधा होना चाहिए चाहे वैरायटी कोई भी हो, जैसे हमारा यहाँ है ये बीजू पौधा है, जैसे यहाँ देख लो ये बीजू पौधा है आपका, तो जो हम कटिंग करके लाए तो वहाँ जहाँ से खींचा ये डाल है मान लीजिए यहाँ से है, तो यहाँ से लगभग इतना हम इसको छील लेते हैं आधा ठीक है, आधा छील लेते हैं। उधर से जो उसको लाए हम मान लीजिए यही है मेरा कलम, ये मान लीजिए मालदेव का है, इसको इसे छील लेंगे आधा भी और दोनों को यहाँ पे सटा करके प्लास्टिक से पूरा टाइट से बांध देंगे ताकि एयर उसमें और पानी ना जा पाए ठीक है। जब ये पौधा देखिएगा लगभग एक से दो महीने में ये हरा हो जाता है, मतलब इसमें पत्ता आ जाता है, जब पत्ता आ जाए थोड़ा और ये बढ़ जाए लगभग मतलब 6 से 9 इंची का, तो बीजू का जो पौधा है इसको यहाँ से काट देते हैं, काट देते हैं ठीक है जी। ये पौधा निकल गया, ये आप मान लीजिए मालदा है आपका तो ये मालदा होगा, या फिर आम्रपाली है तो आम्रपाली होगा, या मान लीजिए कि जरदालू है जरदालू होगा, या फजली है तो फजली होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जिस तरह का कलम हमको चाहिए वो ला करके इसमें हम सटा देंगे तो फिर मेरा उस तरह का पौधा तैयार हो जाएगा। चलिए आप आए हैं तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे इस बगीचे के अंदर भी उस तरह के कलमी पौधा को मतलब उसको नस्ल तैयार करने में आपका सहयोग करना होगा। हाँ जरूर करेंगे, हम ज्यादा तो नहीं कम से कम 10-15 क्योंकि आप बता रहे हैं कि हम भागलपुर सबौर एग्रीकल्चर से अपना वर्क कर लिए हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि हम जब कल आए थे तो हमें आपके 2-4 पौधे बांधे भी हैं, तो इन्होंने जैसा कि आप देख, अच्छा अच्छा आपने यही है, और इसमें जो है ये इस पत्ता निकलेगा, जब ये पत्ता इतना बड़ा हो जाए तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ओ यानी कि आपका ये कलम तैयार हो गया आपका। चलिए एक नमूना आपको अभी हमारे धीरज भाई ने जो कि बांध के कलम तैयार कर दिए हैं और दिखा भी रहे हैं कि हमने आपका कलम तैयार कर दिया हूँ। चलिए तो सेम प्रक्रिया यही है कलम बांधने के लिए, और एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी में जाने का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आप चाहें तो 2-3 वैरायटी का भी कलम ले सकते हैं, जैसे फजली हो गया या मालदा है या फिर जरदालू है ना, तो उसमें मैं एक यहाँ बांधी, इसमें अगर टहनी एक इधर निकला हुआ जिसमें भी बांध दिए, ये मालदा है तो इधर जरदालू बांध दिए, इधर फजली बांध दिए, यानी एक पौधा से भी एक पौधा से अनेकों किस्म के तैयार किए जा सकते हैं वैरायटी। 4 क्वालिटी का आप आम ले सकते हैं, 5 क्वालिटी के भी आम ले सकते हैं, मगर क्या होगा साइज में हो सकता है थोड़ा छोटा हो जाए आपका, है ना, चूंकि एक पौधा से 5 तरह का वैरायटी का आम ले रहे हैं तो हो सकता है कि साइज थोड़ा छोटा हो जाए या 19-20 हो सकता है। तो ठीक है भैया, कम से कम आप कम से कम दर्शकों को अपना परिचय एक बार बताते जाइए। आपने बहुत ही अच्छा विचारों से हमारे ये बागवानी मिशन को आगे बढ़ाने में काफ़ी हमें मदद मिलेगा, इससे हम चाहेंगे कि आप अपना कम से कम एक बार परिचय दे दें। देखिए हम तो मेरा घर तो मुंगेर है और हम BAU से ट्रेनिंग लिए हैं एग्रीकल्चर का, तो हम मुंगेर से बिलोंग करते हैं, मेरा घर मुंगेर है और मुंगेर के जमालपुर ब्लॉक से हम बिलोंग करते हैं, वहीं पर हम लोग भी अपना कलम तैयार कर रहे हैं, नर्सरी तैयार करके किसानों को पौधा दे रहे हैं। अगर किन्हीं को चाहिए पौधा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर 8298910844, इस पर आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग देख लीजिए ये हमारा बागवानी मिशन का ये नमूना है, और हरा भरा जगह में हरियाली हम लोग बनाने का बहुत ही प्रयास करते हैं, और हमने आप लोग को जो दिखाया बिल्कुल ही वाकई बहुत ही रमणीय जगह है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप भी अपने बागवानी करें अपने खेतों में भी और हरियाली को बढ़ाएं।